तो सर मसला ये है कि अभी ये देखो सर, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ से है, फॉरेस्ट गार्ड कहाँ पे है। या आप सर, यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड था जहाँ पे हम सब ये लड़के यहाँ पे खेलने आते थे। ये देखो सर, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, बस यही एक छोटा सा ग्राउंड हमारे पास बचा हुआ है। और यहाँ पे सर क्या दादागिरी है, आप ये खुद देख लीजिए। मतलब डंपिंग बिल्कुल पिच के बीच में करवा दी गई है, और आप खुद देखिए यहाँ पे कि बिल्कुल पिच के बीचों बीच इन्होंने डंपिंग करवा दी है, और ऊपर से कहते हैं भाई हम आपको अंदर करवा देंगे। और आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड कहाँ पे है, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है, ये चेक कर लो कि फॉरेस्ट का यहाँ तक है एरिया। और ये देखो, ये कहते हैं कि ये जी नहीं, ये हमारी जगह है, आप यहाँ पे खेल नहीं सकते हो, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। ये आप सर, इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे, आप चेक करो, जान सर, एक चीज़ मैं और बोलना भूल गया हूँ, मैं आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप ये चेक करो, ये चेक करो आप, मतलब यहाँ से पेड़ काटे गए हैं और यहाँ से इन्होंने अपना ही रोड बना दिया है। ये चेक करो सर, ये मतलब किसी का तो नहीं है, ये फॉरेस्ट का एरिया है। लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस हो रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ पर है, फॉरेस्ट गार्ड कहाँ पर है, यहाँ से रोड इन्होंने किसको पूछ के बना लिया है। हाँ, और ये चेक करो कि यहाँ तक बननी है, और यहाँ से भी ये एरिया घेर रहे हैं, और बस ये छोटा सा ग्राउंड हमारे पास था जो ये फॉरेस्ट के अंडर आता है, तो बस इन्होंने ये जानबूझ के यहाँ पे डंपिंग करवा दी है। तो सर, बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो
मैं होप करता हूँ कि जरूर पहुंचे, क्योंकि सर हमारे पास और कहीं कोई चारा नहीं है खेलने के लिए। सर हमारे पास ग्राउंड तक नहीं है। सर देखो सर, इस टाइम लोग नशे में मतलब डूबे हुए हैं सर, लेकिन हम है कि क्रिकेट की तरफ थोड़ा फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है ये कुछ घर जो अभी एक साल पहले आए हुए हैं शायद, आई थिंक, और ये हमें मतलब दाड़े मार रहे हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो खेलने। भाई ये जगह हमारी है। ये जो डंपर आप देख रहे हो ना, इसका नंबर भी आप चेक कर लेना, ये नंबर है इसका। ये इसने कल जानबूझ के आके यहाँ पे डंपिंग की है इस जगह पे पिच के। और ऊपर से क्या बोल रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं भाई तुम क्या करोगे, तुम्हें हम अंदर करवा देंगे। तो सर ये मसला है, तो जल्द से जल्द प्लीज रिक्वेस्ट है सर आपसे कि जल्द से जल्द इस मसले का आप हल कीजिए, क्योंकि सर हम कहाँ खेले सर, बताइए आप ही कहाँ जाए हम खेलने। तो बच्चे जितने हैं देखो सर, कितने यहाँ पे खेलने आते हैं। और ये सारा फॉरेस्ट का एरिया, जैसे मैंने ये भी आपको दिखाया, यहाँ पे कुछ पेड़ थे जो इन्होंने बिना पूछे ही काटे हैं, ना किसी को बोला है ना कुछ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये फॉरेस्ट गार्ड कहाँ पे सोए हुए हैं और फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे सोया हुआ है, या तो मिली भगत है या और कुछ। लेकिन खेलने का तो हमें पूरा हक है ना। अगर मोदी जी कहते हैं कि यूथ जो है वो हिंदुस्तान का पिलर है, तो कहाँ है वो पिलर यार, कहाँ है वो पिलर। यहाँ तो हमारा कोई कुछ चलता नहीं। आगे से हमें सर ये वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आपको थाने में कर डाल देंगे, ये कर देंगे सर, वो कर देंगे। लेकिन सर हमने इनके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं की है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इस ग्राउंड पे या इस मसले पे कार्रवाई हो। तो सर मैं आपको फोटो भी भेजूंगा कि यहाँ पे कितना यूथ आता है खेलने के लिए। लेकिन क्या करिए सर, देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, पिच हमारी है और कल जानबूझ के यहाँ पे इन्होंने डंपिंग की हुई है। और कुछ पेड़ भी यहाँ पे इन्होंने काटे गए हैं। और रोड भी आपको जो मैंने दिखाया है, यहाँ से फिर से एक बार मैं आपको दिखा लेता हूँ, यहाँ से ये जो रोड है ये इन्होंने किसको पूछ के यहाँ से निकाला है, पहले आप ये बताइए। फॉरेस्ट गार्ड कहाँ पे है, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बस ये कुछ घर है जो ये सर बोरे कि हम आपको थाने में डाल देंगे। हमने तो कोई मिसबिहेव नहीं किया, हम जस्ट खेलने आते हैं यहाँ पे। अब इनको पता नहीं क्या तकलीफ है, और आधा तो इन्होंने फॉरेस्ट एरिया कवर कर दिया है। अभी जो फॉरेस्ट गार्ड है ये सैलरी किस चीज़ की लेते हैं, मुझे ये इस चीज़ की कोई समझ नहीं है। तो सर बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मसले पे कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुई सर, तो फिर हम स्ट्राइक कर लेंगे सर, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर कोई साथ नहीं देगा तो नहीं, मुझे होप है एडमिनिस्ट्रेशन से, मुझे पूरा होप है कि वो हमें ज़रूर हमारा हक दिलाएंगे, वो ज़रूर। तो सर बस इतना ही था, थैंक यू।